हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है साइलेंट ट्रेडर पे। आज मार्केट में थोड़ा मार्केट अभी भी चल रहा है, अभी भी 2:42 चल रहा है, तो मार्केट अभी भी रनिंग है एंड बहुत उथल पाथल हुआ है मार्केट में। आज काफ़ी सारे ट्रेड भी देखा हो, तो आज शुरू से शुरू करते हैं। आज एक ही वीडियो में मैं तीनों स्टॉक का डिटेल दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग तीनों स्टॉक से थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल सकते थे। तो फर्स्ट डाबोर में थोड़ा बहुत हम लोग इलेबरेट करेंगे, डाबोर में कैसे ट्रेड हो सकता था अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी ट्राई करें। पहले तो मूविंग एवरेज एंड डबल मूविंग एवरेज में थोड़ा बहुत क्रॉस चेक करते हैं। A200 मूविंग एवरेज है, ADMA 21 है एंड जो रेड सॉरी ग्रीन वाला जो है वो डबल मूविंग एवरेज 9 वैल्यू है। तो क्रॉसिंग आता है, कहाँ क्रॉसिंग आता है, यहाँ पर क्रॉसिंग आता है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, कहाँ क्रॉसिंग, यहाँ पे कंप्लीट क्रॉसिंग आता है डाबोर में। जो क्लोजिंग प्राइस था 538.75, दैट मीन्स 2 रुपये के आसपास हम लोगों को टारगेट चाहिए। तो देखते हैं 2 रुपये मिलता है कि नहीं। 2 रुपये में एक सिंपल कैलकुलेशन से बोल रहा हूँ तो शायद 2 रुपये से ज़्यादा होगा। 538.75 इंटू 1.004 तो 540.90, दैट मीन 541 के आसपास गया है क्या। तो जो ट्रेंड है उसमें देख पा रहे हो कि वो 542 गया है, तो इजीली आपको यह में एक एंट्री मिलता है एंड आप यहाँ पर एग्जिट भी कर जाते हो अगर आपको सही टेक्निक मालूम होता अगर मूविंग एवरेज में। तो मूविंग एवरेज में जो टेक्निक है बहुत सिंपल टेक्निक है, वो आप जहाँ तक ज़्यादा रियल टाइम मार्केट में अप्लाई कर सकते हो एंड इजीली आपको एक प्रॉफिट मिल जाएगा। कोई ना कोई स्टॉक से आप एक ट्रिक निकाल सकते हो। ये था डाबोर का मूविंग एवरेज वाला ट्रेडिंग। अब देखते हैं कि CCI में कोई ट्रेंड निकलता है कि नहीं। डबल बॉटम एक क्रॉस होता है यह तक, मगर इसका जो क्रॉसिंग आता है यह तक, दैट्स मीन्स कि एक ट्रेड मिलता है। मैं ड्रॉ करके थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, थोड़ा आप लोगों के साथ मैं जूम आउट कर देता हूँ एंड यू कैन सी कि ए वाला जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो नेगेटिव ट्रेंडिंग चल रहा है पैटर्न में एंड ए वाला जो पैटर्न है इसमें पॉजिटिव पैटर्न चल रहा है। तो ऑब्वियसली इसका एक नेगेटिव डायरेक्शन आ गया है, मगर नेगेटिव डायरेक्शन अगर आएगा, ये दो पैटर्न का सबसे लो पॉइंट है ए वाला कैंडल, आप देख सकते हो ए वाला कैंडल सबसे लो है। तो हमको एक्चुअली लेना क्या है, हमको लेना है इसका जो लोअर बटन है इससे हम लोग टिक करेंगे एंड हम लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यह से आप ले सकते हो, यह से ले सकते हो, मगर मैं जितना लोअर आपको हुक मिले उससे हम लोग एक बार ट्रेड देखेंगे। लेट्स सी कि इस ट्रेड में जो एग्जीक्यूशन हुआ है, ये जो ट्रेड नीचे आया है जो कैंडल में उसका प्राइस था 540, तो 540 के आसपास अगर प्राइस आ जाए तो आपको 2 रुपये के नीचे, दैट्स मीन्स मैं फिर से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 540 डिवाइडेड बाई 1.004, तो 537.85 के आसपास हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। देखिए 537.85, वाह, द कैंडल मेड लो 537.36.50, दैट्स मीन हम लोगों का जो यहाँ पर इस कैंडल पे जो सेल का अपॉर्चुनिटी मिला था CCI डाइवर्जेंसी से, वो हम लोग यहाँ पर 0.4% के हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो ये था सिंपल दो ट्रेड जो डाबोर में आया है एंड सिंपल स्ट्रेटजी में वो ट्रेड हम लोगों के पास एग्जीक्यूशन भी हो गया एंड प्रॉफिट भी हो गया। चलिए डाबोर का दी एंड करते हैं एंड अभी चलते हैं डॉक्टर रेड्डी पर। डॉक्टर रेड्डी में आज का जो उथाल पाताल जो भी चल रहा है तो यह पर है, तो इसमें देखेंगे कि डॉक्टर रेड्डी में पहले देखेंगे कि जो
मूविंग एवरेज पैटर्न है उसमें कुछ आया है कि नहीं। तो मूविंग एवरेज पैटर्न में आप देख सकते हो कि ए मार्केट खुला है 915 में, उसके बाद क्रॉसिंग आया है, एक क्रॉसिंग 925 में आया है। तो मैं जहाँ तक ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, तब भी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं कि इसको अगर हम इस प्राइस में, इस कैंडल, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, तो उसको प्राइस है 5313 हम लोगों का प्राइस था, जो मैं कैलकुलेटर में 5313 इंटू 0.04 दैट्स मीन 5334.25 दैट्स मीन 5335 इसका हाई गया है कि नहीं, आप देख सकते हो। उसके बाद जो ट्रेंड आया है, इस ट्रेंड में आप देख पा रहे हो कि 5353 तक ये गया है। दैट्स मीन्स हम लोगों का जो फर्स्ट जो टारगेट था और फर्स्ट जो ट्रेड मूविंग एवरेज जैसे हम लोग लिए थे, उसका ट्रेड कंप्लीट हो गया है। एंड यू कैन सी कि हम लोग एक ठीक ठाक प्रॉफिट ले चुके हैं। एंड नेक्स्टली एक क्रॉस आया है अभी 2:35 पे, ये भी आफ्टर बोल सकते हो कि मेरा जो ट्रेडिंग टाइमिंग है उसके बाद ही आया है 2:35। मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, तब भी 5328 में आया है, तो 20 रुपये के आसपास हम लोगों को चाहिए। अभी 10 रुपीज़ के आसपास हम लोगों को प्रॉफिट मिल भी रहा है। तो अगर आप लेते हो तो शॉर्ट कुछ बुक कर सकते हो 10 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि मैं ज़्यादा इस टाइम जो टाइम फ्रेम चल रहा है, इस जो टाइम चल रहा है, इसमें मैं ज़्यादा तो ज़्यादा ट्रेड प्रेफर नहीं करता। उसके बाद देखते हैं सीसी या डाइवर्जेंसी में कोई ट्रेड आया है कि, यस ट्रेड आया है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला आप ट्रेंडिंग, पॉजिटिव ट्रेंडिंग देख पा रहे हो आप, ये वाला पॉजिटिव ट्रेंडिंग। एंड ये वाला आप अगर देखोगे तो ये वाला नेगेटिव ट्रेंडिंग आ रहा है। तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, आप देखोगे कि ये वाला नेगेटिव ट्रेंडिंग आ रहा है। तो इस ट्रेंड को अगर मैं फिर से मेरा जो पोजीशन लेने का जो प्लेस है वो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो आप देख पाओगे कि इसका जो प्राइस फिगर रहता है और जो कैंडल रहता है, ए वाला सेशन में क्रॉस आया है। दैट मीन्स ए वाला सेशन से हम लोगों को देखना है कि कौन सा कैंडल में, मैं थोड़ा जूम इन ज़्यादा कर दिया, चलिए इसमें ये हटा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, मैं सबको एक्चुअली हटा देता हूँ, उसमें ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो पॉइंट है, इसमें आपको जो कैंडल क्रॉस हुआ है, क्रॉस आप देख सकते हो कि इस पॉइंट्स में एक शॉर्ट कॉल आया है, शॉर्ट कॉल आया है, जिसका प्राइस था 5345। मैं कैलकुलेट करूँगा 5345 डिवाइडेड बाई 1.004, तो उसमें आता है 5323 हम लोगों का टारगेट प्राइस आता है। एंड इसमें लो दिखाइए, देखिए 53, मैं थोड़ा ये देखिए लो कितना रखा है, 5317.50। दैट मीन्स हम लोगों का CCI वाला भी ट्रेड जो हुआ है उसका टारगेट भी हिट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें और कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं। हाँ, और एक भी ट्रेड मिला है। आप अगर देखोगे तो ए वाला जो है नेगेटिव सेशन चल रहा है अभी भी, एंड ए वाला है जो पॉजिटिव सेशन चल रहा है। ओके, मगर इन दोनों का एक्चुअली हाई फिगर है ये। तो लास्ट वाला जो हुक था, उस हुक से मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो इसका जो क्रॉसओवर आता है यहाँ पर आता है, जो 2 के बाद आता है। मगर थोड़ा डिटेलिंग और भी करें तो उसके बाद भी, उसके पहले भी एक ट्रेड आता है। ये देखिए एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग है, एंड उसमें आपको मिलेगा ए वाला ट्रेंड, देखिए जस्ट यहाँ पर एक नेगेटिव, ये देखिए ये नेगेटिव था, ये जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था। दैट मीन्स इस प्राइस पॉइंट में हम लोगों को एक एंट्री लेना चाहिए, जो 14:20, दैट मीन्स 2:20 में एक कैंडल क्रिएट हुआ था, जिसमें प्राइस था 5322.60। मैं 5322.60 में कैलकुलेट करूँ, 5322.60 इंटू 1.004, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखूँगा। 5343 में मैं बुक करना चाहता हूँ, और आप देखिए हाई मारा है 5340। तो लास्ट एंड में थोड़ा आप ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद मत रखिए,
थोड़ा कम रखिए क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर 5340 के आसपास और 5335 के आसपास आपको प्रॉफिट मिल रहा है, मेरे ख्याल से ये एग्जिट करना चाहिए क्योंकि ये डे एंड चल रहा है, वनडे ट्रेडिंग आवर्स जो चल रहा था उसका एंड हो गया है, एंड होने वाला है। दैट्स वाई मैं सजेस्ट करूँगा आप अगर ट्रेड आपके पास लास्ट स्टेज में कुछ 2:30 के पास और 2:30 के आसपास कुछ आपको ट्रेड मिला है, कुछ इंडिकेशन मिला है, तो आप छोटा स्मॉल प्रॉफिट में चला जाइए। दैट्स ऑल। एंड थर्डली एंड फाइनली हम लोग आते हैं, ये कौन सा है, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी में क्या है वो देखते हैं। बैंक निफ्टी दिखाया जा गया, हाँ चलिए। बैंक निफ्टी में CCI आप देख पा रहे हो कि ट्रेंडिंग प्रथम फास्ट तो पॉजिटिव आया है, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद देखते हैं CCI में कोई भी क्रॉसिंग, यहाँ पर क्रॉसिंग आता है, अगर क्रॉसिंग आने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है वो 2:45 के टाइम फ्रेम पे हिसाब से क्रॉसिंग आ रहा है। दैट्स मीन्स आज का बैंक निफ्टी में कोई ट्रेडिंग्स मूविंग एवरेज और डबल मूविंग एवरेज से नहीं आया है। अब देखते हैं कि CCI पे कुछ आया है कि CCI में नेगेटिव चल रहा है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव आया है, मगर इस ब्रेकआउट में अगर मैं कैलकुलेट करूँ ये भी 2:35 में आया है, इसको भी अगर टैली करें इसको पॉजिटिव था नहीं। आज CCI और आप मूविंग एवरेज में आप अगर देखोगे तो मेरे जो कॉन्सेप्शन है उसमें CCI से भी कोई ट्रेड नहीं आया बैंक निफ्टी में, एंड मूविंग एवरेज में भी कोई ट्रेड नहीं आया। मगर दो ट्रेड जो डॉक्टर रेड्डी एंड डाबर से मिला, डाबर से दो ट्रेड एंड डॉक्टर रेड्डी से भी एक दो ट्रेड जो मिला वो बेहतरीन था, 100% सक्सेसफुल रेशियो था, कोई भी स्टॉप लॉस आज हिट नहीं हुआ। दैट्स मीन कि आप अगर ट्रेड करते हो इस दो स्टॉक में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दो स्टॉक प्रेफर करता हूँ फॉर इंट्रा क्योंकि इसका लिवरेज ज़्यादा है, तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से आज प्रॉफिट दिखाया। दैट्स ऑल। अगर कुछ आप लोगों को क्वेरीज करना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक दबा दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करिए क्योंकि मैं ऐसी लाइव ट्यूटोरियल कुछ लेके आता हूँ जिसमें से आप लोगों को थोड़ा बहुत आसानी होता है, मेरा ट्रिक्स टेक्निक्स एंड सिंपल वे ऑफ लर्निंग जिसमें आप बहुत इजी वे में और इजीली आप कुछ ना कुछ मार्केट से निकाल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।